ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायर पारगिन्दनन्दि गुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयलीनं पच्चयं उच्चम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसके टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसका ये हिंदी अनुवाद है और उसके आश्रव अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। आश्रव को ही प्रत्यय कहते हैं और ये जो नया कर्म जो आना है ना कारमाण वर्गना कर्म रूप होना है आठों कर्मों का, यानी आठों कर्म आते हैं बनते उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पुराने कर्मों का उदय। पर पुराने आठों कर्मों के उदय को कारण नहीं कहा, ये जो पुद्गल परिणाम कहा वो मिथ्यात्वादी कर्मों का जो उदय है वो पुद्गल के परिणाम है उसको प्रत्यय कहा। और उसके भी निमित्त से होने वाले उसका निमित्त भी क्या है, उसका उदय कब नया बंद करेगा, तो वहाँ जीव के मोहराग द्वेष के परिणाम हो गए। तब इन पुद्गल के परिणामों को और जीव के परिणामों को मिलकर ये जो चार नाम बताए हमने मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, तो ये तो मूल प्रत्यय कहलाते हैं। और उसके जो भेद है मिथ्यात्व के 5 अविरति के 12 कषाय के 25 और योग के 15, तो इनके द्वारा यानी ये जो उत्तर प्रत्यय है उसके जो भेद है ये है बंध के कारण यानी नए कर्मों के आश्रव के कारण। अभी उसको हमने गुणस्थानों में भी देखा मार्गनाथ स्थानों में भी देखा, वो तो नाना जीव की अपेक्षा बात थी। अब हम जो देख रहे एक जीव को एक काल में कितने प्रत्यय हो सकते हैं और उन प्रत्ययों के समूह को यानी नंबर ऑफ जो प्रत्यय हो गए एक काल में उसको कहेंगे स्थान। तो ये स्थान हमने अलग अलग प्रकार के जो स्थान देखे थे मिथ्या तो ही गुणस्थानों में, मिथ्या तो गुणस्थान में दो प्रकार से कथन आता है। कैसे जो रेगुलर जो मिथ्या दृष्टि है वहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय है ही है, परंतु ऐसे जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन यानी सम्यक दृष्टि जीवों ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है उसका अर्थ होता है सत्ता में से उनके अनंतानुबंधी जो कर्म थे उसके सारे के सारे परमाणु सभी निषेक, बाकी अन्य 3 रूप परिणमित हुए हैं और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, और वो अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट हो चुकी है। अब वो है ही नहीं सत्ता, परंतु मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सत्ता में है। ऐसा जो मिथ्यात्व गुणस्थान में चला गया तो उसके अनंतानुबंधी की सत्ता तो थी नहीं, पर मिथ्यात्व गुणस्थान में गया तो जाते ही उसी समय से उसके अनंतानुबंधी का यानी मिथ्यात्व का बंध शुरू हुआ, वैसे अनंतानुबंधी का भी शुरू हुआ। इसी तरह से अब वहाँ के जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन के कुछ परमाणु वो भी अनंतानुबंधी रूप से वहाँ संक्रमित होने लगे, क्योंकि जिसका बंध है उसमें संक्रमण चलता है, तो ये अनंतानुबंधी का बंध है तो उसमें संक्रमण भी होगा नया बंध भी होगा। परंतु उसमें एक कंडीशन होती है कि एक आवली काल तक ये संक्रमित हुए परमाणु या जो नए बंधे हुए परमाणु उसका उदय शुरू नहीं हो सकता। आवली के बाद उदीर्णा के निमित्त से उसका भी उदय चालू हो जाता है। तो आवली काल तक क्या पोजीशन थी, मिथ्यात्व का तो उदय है अनंतानुबंधी का नहीं है, इसलिए प्रत्ययों की जो संख्या है ना टोटल उसमें फर्क पड़ा था। तो हमने उसको किसी प्रकार से वो कितने कितने हो सकते हैं, क्योंकि एक तो अनंतानुबंधी 3 यानी अनंतानुबंधी नहीं था तो अन्य 3 कषाय थे क्रोध 3 या क्रोधमान वगैरह। दूसरी बात यहाँ एक से अधिक संख्या कहाँ हो सकती है, तो प्राणीवध के संबंध में यानी काय हिंसा जिसको कहेंगे उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे या 6
इस तरह से उसके अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। और दूसरी बात कहाँ पर हो सकते हैं, भय जुगुप्सा के उदय में, दोनों का उदय नहीं है या किसी एक का है या दोनों का है। इस तरह से इनके द्वारा हमने स्थानों के प्रकार देखे थे, जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में तीन तीन कूट किए थे, अनंतानुबंधी रहित वाले के तीन और सहित वाले के तीन, और उसके द्वारा हमने वहाँ पर स्थानों के अलग अलग कितने अलग अलग स्थान देखे थे, तो नौ अलग अलग स्थान देखे थे, 10 से लेकर 18 तक। उसी प्रकार हमने शासादन में देखे, शासादन में तो टोटल कूट तीन ही हो गए, और तीन कूट में वहाँ पर स्थान कितने हो गए, जैसे कितने अलग अलग स्थान हो सकते हैं, इसके लिए हमने वो 1 से 6 तक तो होते ही है, और भय जुगुप्सा के और 2 बढ़ेंगे, तो उसमें टोटल स्थान कितने देखे थे याद है ना, 695 पेज पर देख लो, 8 देखे थे। यानी जहाँ ये 6 प्रकार है और ऊपर भय के भी 3 विकल्प है, वहाँ वो 8 प्रकार हो जाते हैं। देखो शासादन में हमने 8 देखे थे, मिश्र में भी 8 देखे थे, असंयत में भी 8 देखे थे, क्योंकि वहाँ तो काय हिंसा के तो 1 से 6 तक के अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ थी। अब देश संयत में यहाँ तो त्रस हिंसा नहीं है, तो 1 से 5 तक वहाँ भेद हो गए, वो 5 अलग अलग, और ऊपर भय जुगुप्सा में 2 अलग अलग, तो उसके अलग अपेक्षा से वहाँ 7 ही स्थान अलग अलग स्थान हो जाएगी। उसके बाद प्रमत्त में देखना है, वहाँ तो वो तो अविरति कुछ है ही नहीं है, तो उसमें कितने भेद पड़ेंगे, 3, भय का 0, 1 और 2, वहाँ 3 स्थान देखे थे, मैं 3 अलग अलग प्रकार से स्थान, उसके प्रकार तो एक ही के प्रकार से हो गए। अप्रमत्त भी 3 देखे थे और अपूर्वकरण में भी 3 देखे थे। अपूर्वकरण के बाद ये भय जुगुप्सा के अलग अलग विकल्प नहीं हो गए, क्योंकि उसका तो उदय 6 नौकषाय का मिल गया है। तो यहाँ शुरुआत में 3 का एक ही प्रकार और 2 का एक ही प्रकार, उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय में 2 ही एक कषाय और 1 योग, उसका 1 प्रकार, उसके बाद वैसा ही उपशांत मोह में, क्षीण मोह में भी होता है, और संयोग केवली में भी। ये तो हमने यहाँ देख लिए थे, ये तो एक जीव के एक काल में पाए जाने वाले स्थान और उसके प्रकार कितने प्रकार से होते हैं और टोटल स्थान कितने कितने होते हैं उसकी चर्चा की। अब हम ये जो हमने जो कूट रचना भी देखी थी, और कूट रचना में जो हमने जो सारी बातें बताई थी, तो उसमें अभी कूटोच्चारण विधान की हमारी बात चली, यानी इसको कहेंगे आलाप, आलाप यानी कथन। जो हमने यहाँ जो कूट की रचना की थी, सबसे नीचे की पंक्ति में मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, तो 5 बार 1-1 लिखा, अविरति के 2 अलग अलग हमने पंक्तियाँ बनाई, एक पंक्ति इंद्रिया मन संबंधी, उसमें 1-1 5-6 बार लिखा, 5 इंद्रिया और 1 मन संबंधी, और जो और एक पंक्ति बनाई अविरति की, उसमें काय हिंसा के भेद बताए, 1 काय की हिंसा या 2 की या 3 की या 4 की या 5 की या 6 की, इस तरह से उसको लिख दिया। इसलिए 1-1 पंक्ति में उसको कहा अक्ष, तो 1-1 पंक्ति में ये सब लिख दिए। उसके बाद कषाय की पंक्ति बताई, उसमें अगर अनंतानुबंधी सहित है तो 4-4-4-4 लिखेंगे, और रहित है तो 3-3-3-3 लिखेंगे। उसके ऊपर की वेद वाली, 3 वेद है तो 1-1-1-3 बार लिख दिया। फिर युगल, हास्यरति और अरतिशोक, तो उसके 2 और 2 लिखा। जितने योग होते हैं उतने बार 1-1 लिखना है। और उसके बाद भय जुगुप्सा के जो 3 विकल्प हैं, यहाँ तो 3 कूट करना, उसके बाद बदले हमने 0, 1 या 2, इस तरह से हमने 3 विकल्प लिख दिए। अब इसको पढ़ना कैसे, यानी उसको कहना कैसे, तो हमने 1-1 जो पंक्ति है वो किस बारे में है वो देख लिया। अब मिथ्यात्व में सबसे पहला नंबर किसका है, तो एकांत मिथ्यात्व का। और ये इंद्रिय अविरति में सबसे पहला नंबर किसका है, तो स्पर्शन इंद्रिय का। और काय के बारे में जो काय हिंसा के जो भेद है, उसमें पहला नाम है पृथ्वी का, पहला तो 1 नंबर है, और 1 में जो 6 अलग अलग विकल्प है उसमें से पहला नाम है पृथ्वी का। उसके ऊपर कषाय क्रोध का, यानी 4 हो गए या 3 हो गए, वो क्रोध को लेना। उसके ऊपर पहले नपुसक वेद को लेना, उसके ऊपर हास्यरति वाला युगल पहले लेना, और योगों में सबसे पहले सत्य मनोयोग लेना,
अब जहाँ जीरो है वहाँ भय जुगुप्सा का नाम ही नहीं लेना। अब उस जीव का वर्णन हम कैसे करेंगे? तो एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत, फिर पृथ्वी काय का हिंसक, उसके ऊपर अनंतानुबंधी रहित वाला लेना है, तीन क्रोध में संयुक्त जो है, तीन क्रोध का, तीन प्रकार के क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, उसके हास्य और रति से संयुक्त, और सत्य मनोयोगी, ऐसा जीव है वो। ये पहला आलाप हुआ, ये पहला कथन हुआ, इसको नंबर एक डालेंगे। नंबर दो पर किसको चेंज करना? किसी को नहीं चेंज करना, परंतु जो पृथ्वी का हिंसक था उसके बदले उसके बाद में जल का हिंसक कहेंगे, जलकाय का हिंसक, जलकाय नहीं जलकाय का हिंसक। तीसरे नंबर, बाकी सब वही रखना है। तीसरे नंबर पर अग्निकाय को रखना, चौथे नंबर पर वायु काय की काय का हिंसक, पांचवे नंबर पर वनस्पति काय का हिंसक, और फिर छठे नंबर पर त्रस का हिंसक। ये क्रम से छः आलाप यानी छः कथन हो गए, इसी को नंबरिंग करेंगे। सातवें नंबर पर अभी कहाँ क्या करना, अभी जो हम एक में थे काय हिंसा में एक नंबर पर थे, अभी दो नंबर पर आना। अब दो नंबर पर यानी क्या करना, दो 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 का हिंसक है, तो यहाँ हमें द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं, वो क्रम से कैसे है उसकी बात करनी। द्विसंयोगी का अर्थ क्या, एट ए टाइम दो दो को लेना। हमने एक एक को लिया तो अभी हमें मालूम है ना, पृथ्वी का ही नाम पहले लेना, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर वनस्पति, फिर त्रस। जब द्विसंयोगी कहेंगे तो पृथ्वी जल एक हुआ, एक नंबर पर पृथ्वी जल आ जाएगा, दो नंबर पर पृथ्वी अग्नि आएगा, तीन नंबर पर पृथ्वी वायु, फिर पृथ्वी वनस्पति और पृथ्वी त्रस। यहाँ तक समझ में आया? ये तो पृथ्वी संबंधी हो गए द्विसंयोगी। उसके बाद नंबर आएगा जल का, अभी जल के आगे कितने, उसके साथ उसका द्विसंयोगी होगा। पृथ्वी के आगे पांच थे तो पृथ्वी के द्विसंयोगी भंग पांच आए, जल के आगे कितने हैं, चार है, तो जल के द्विसंयोगी भंग चार आ गए, अग्नि के द्विसंयोगी भंग तीन हो गए, वायु के दो हो गए और वनस्पति का एक होगा। इन सब की हमने टोटल की, तो एक से लेकर पांच तक की संख्याओं की टोटल करना है, उसको कहेंगे उसका संकलन धन किया, संकलन करना है ना, उसकी बेरीज करना है, उसकी टोटल करना। इतने यहाँ तक समझ में आए? तो एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार अधिक पांच, कितने निकाले थे हमने, हाँ, तो इसकी टोटल कर दी द्विसंयोगी भंगों की। तो अभी उसके नंबर हमने पहले छह नंबर दिए थे, अब सात नंबर पर कौन सा जीव होगा? शुरुआत क्या, कैसे, एकांत मिथ्या दृष्टि, फिर स्पर्शनेन्द्रिय का वशीभूत, अब किसको कहेंगे, पृथ्वी और जल कायिक का हिंसक, पृथ्वी कायिक जल कायिक का हिंसक, वो संयोग रूप लेना दोनों का एक साथ। उसके बाद ऊपर तीन प्रकार के क्रोध का धारक, उसके बाद नपुसक वेदी, हास्य और रति से संयुक्त, सत्य मनोयोग, ये सात नंबर होगा। यहाँ तक समझ में आए? आठ नंबर पर क्या कहेंगे, पृथ्वी अग्नि का हिंसक, यानी वही एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शनेन्द्रिय का वशीभूत, फिर क्या कहेंगे अभी, हाँ, पृथ्वी का एक और अग्नि का एक का हिंसक, फिर तीन प्रकार के क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, हास्य रति से संयुक्त, सत्य मनोयोगी। अभी क्रम से एक जो हमने द्विसंयोगी भंग देखे थे ना, उसी क्रम से एक एक को बताना। पहले तो छः हुए थे, अब कितने हुए, पंद्रह, नहीं छः और पंद्रह कितने हुए, एक, अभी नंबर आएगा बाईस का, तो बाईस नंबर पर कितने संयोगी वाला लेना, वहाँ त्रिसंयोगी लेना। अब त्रिसंयोगी के भंग कितने देखे थे हमने, याद है ऊपर, हाँ बीस देखे थे ना, तो उसमें सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, पृथ्वी जल और अग्नि वाला। दूसरा हो जाएगा, अब ये पृथ्वी और जल को कहाँ कांस्टेंट रखना, पृथ्वी जल और वायु को, फिर पृथ्वी जल वनस्पति को, फिर पृथ्वी जल त्रस को, ये चार प्लस, अभी पृथ्वी अग्नि और आगे को जाना है, पृथ्वी अग्नि वायु को,
फिर पृथ्वी अग्नि वनस्पति को, पृथ्वी अग्नि त्रस को, पहले चार थे ये तीन हो गए। अभी पृथ्वी जल अग्नि हुआ, पृथ्वी वायु वनस्पति, पृथ्वी वायु त्रस, दो हो गए। अब अंतिम कौन सा होगा, पृथ्वी वनस्पति त्रस, यानी चार अधिक तीन अधिक दो प्लस एक, कितने हुए टोटल, दस हो गए ना, पृथ्वी के दस हुए, जल के कितने हुए हैं, इस तरह से हमको देना, पृथ्वी के तो दस हुए, अभी जल के लेना है, तीन संयोगी है ना, जल अग्नि वायु एक हुआ, फिर जल अग्नि वनस्पति, जल अग्नि त्रस, तीन से शुरू हुआ, उसके बाद जल वायु वनस्पति और जल वायु और त्रस दो हुए, फिर जल वनस्पति और त्रस एक हुआ, तीन प्लस दो प्लस एक छः हुए, पहले दस थे अभी छः हो गए, ये तो त्रिसंयोगी हो गए है ना, और अग्नि के अग्नि वायु वनस्पति अग्नि वायु त्रस दो हो गए, अभी एक अग्नि वनस्पति त्रस, दो और एक तीन हो गए, और फिर लास्ट में वायु वनस्पति त्रस, तो कितने हुए, बीस हो गए टोटल। अभी जरा दूसरा एक तरीका निकालते हैं इसको, ये कितना हम कंटाला आता है ना सब, तो हमारे पास कितने हैं टोटल, छः है, कौन से छः, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, त्रस, इनका प्रत्येक संयोगी भंग, प्रत्येक भंग जिसको कहें, संयोगी नहीं, प्रत्येक भंग जितने है उतने कहेंगे, तो छः है तो उसको कहेंगे छः, तो जो जो संख्या है उसको कहेंगे गच्छ, गच्छ, गच्छ ने क्या, बस गच्छ कह दो, हमको छः की बातें निकालने, ऐसे ए बी सी डी ई एफ, छः है बातें, तो उसमें से हमको उसका सिंगल सिंगल रखना है, तो क्या कहेंगे, प्रत्येक भंग कितने हुए, जितना जो गच्छ है उतने होते, गच्छ प्रमाण, प्रत्येक भंग कितने होते हैं, तो गच्छ प्रमाण होते, यहाँ तो समझ में। अब द्विसंयोगी भंग सब टोटल निकालने, हमने क्या है, पृथ्वी के कितने, जल के कितने, अग्नि के कितने, वो सब हमने अलग अलग निकाले, तो हमने हमारा गच्छ कितना है, छः, उसमें से एक माइनस कर दो, पाँच, और पाँच का एक बार संकलन धन करो, ये संकलन धन क्या होता है, एक से पाँच तक की टोटल करेंगे तो उसको कहेंगे संकलन धन, एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार अधिक पाँच, कितने हुए, पंद्रह हुए। अभी हम निकालते हैं, कहाँ गया हमारा इंडिकेटर, हाँ तो हम उसको देखेंगे यहाँ पर, ये अलग प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं, देखो ये प्रत्येक भंग हमने पृथ्वी जल अग्नि वगैरह छः देखे थे ना यहाँ पर, अब ये नीचे देखे, नीचे लिखा है प्रत्येक भंग गच्छ प्रमाण, ये हमने छः हमारा गच्छ है, ये हमारे टोटल जो अलग अलग विकल्प जो छः है, तो वो छः प्रत्येक भंग छः होते हैं। द्विसंयोगी भंग हमने निकाले थे याद है ना, पृथ्वी के कितने निकाले, फिर जल के कितने वगैरह वगैरह, तो अभी द्विसंयोगी भंग डायरेक्ट निकालने हमको, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, गच्छ में से एक कम कर दो, छः में से एक बाद हुआ, एक माइनस किया, पाँच हुए, पाँच का एक बार संकलन धन, अब संकलन धन भी मैंने शॉर्ट में इसको फॉर्मूला बनाया, उसका भी डिटेल कैसे निकालना उसका विस्तार है उसकी बात, वो ज्ञान मार्गना के प्रकरण में है, उसका मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहे हूँ। तो पाँच का एक बार संकलन धन, यानी एक से लेकर पाँच तक की टोटल करना है, पर वो टोटल करते नहीं बैठना है, पाँच का एक बार संकलन धन करना है, तो पाँच के आगे वाली नेक्स्ट संख्या कौन सी है, छः, तो ऊपर पाँच गुना छः करना और नीचे एक गुना दो करना, फाइव इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई वन इंटू टू, कितना हुआ, बैतरिक सहा अतिरिक्त पंद्रह, पंद्रह आ गए, हमने कितने निकाले थे, पंद्रह निकाले थे ना, हाँ कैसे निकाले थे याद है ना, क्योंकि पृथ्वी के पाँच, जल के चार, अग्नि के तीन, वायु के दो, वनस्पति का एक, वही टोटल यहाँ आ गए ना, हाँ हाँ देखो ये,
अब त्रिसंयोगी भंग निकालने हैं हमको। अब त्रिसंयोगी भंग हमको यहाँ निकालते समय हमने पृथ्वी के 10 निकाले थे, जल के 6 निकाले थे, अग्नि के 3 और वायु का 1, मिलकर 20 निकले थे। अब हमको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला चाहिए। तो त्रिसंयोगी भंग है, त्रिसंयोगी उसका जो भंग निकालना है, तो गच्छ हमारा 6 है, 3 संयोगी ना, तो 2 माइनस करना, तो गच्छ माइनस 2 यानी 4 में से 2 गए तो 4, सॉरी 6 में से 2 गए 4 आए, 4 का 2 बार संकलन धन, तो 4 के आगे 2 संख्या लेनी पड़ेगी, 4 गुना 5 गुना 6 और डिवाइडेड बाय 1 गुना 2 गुना 3, तो ये 6 और ये 6 5 चौक 20, डायरेक्ट हमको 20 संख्या आ गई। फिर से हमको प्रत्येक भंग है तो गच्छ प्रमाण होते हैं। द्विसंयोगी भंग निकालना है, द्वि है ना, तो उसमें एक ही माइनस करना, गच्छ 6 में से 1 गया तो 5 आया, 5 का 1 बार संकलन धन। अब 1 बार संकलन धन है ना, तो हम 1 के नीचे 1 लिखे, 1 2 3 4 5, कितना आया उसकी टोटल 15 है ना, उसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला, 5 के आगे 1 संख्या लिखो, 1 बार संकलन धन निकालना है तो 1 आगे की 1 संख्या लिखो, और जितने ऊपर 1 और 2 है ना, तो यहाँ पर 1 और 2 लिखो नीचे, 1 × 2, तो उसकी जो कोई पूरा उसका उत्तर कितना आएगा, 15। ये द्विसंयोगी भंग 15 आ गए। अब यहाँ तक समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये फॉर्मूला है, कोई भी प्रत्येक भंग कितनी संख्या, हमारे पास अभी 6 है, इसलिए 6 की बात करेंगे, अन्य कोई उदाहरण नहीं लेंगे यहाँ पर, जहाँ अन्य उदाहरण लेना है उसके बाद में करेंगे, अभी हम वो 6 में से हमको प्रत्येक भंग निकालने हैं, तो 6 संख्या है तो 6 के 6 हो गए, पृथ्वी को 1 बार लो, जल को 1 बार लो, अग्नि को 1 बार, तो 6 हो जाएगी। नहीं समझे, प्रत्येक सिंगल तो समझ में आते हैं। एक द्विसंयोगी निकालने के लिए क्या करना है, गच्छ में से 1 कम कर दो, 5 आया, जैसे गच्छ 6 है, हमारे पास पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और तरस, ये 6 है, पृथ्वी के आगे कितने हैं, 5, तो पृथ्वी के 5 भंग हुए, पृथ्वी के द्विसंयोगी 5 हुए, जल के आगे 4 है, फिर उसके आगे अग्नि के आगे 3 है, तो 5 और 4 और 3 और 2 और 1, इसका हमने टोटल किया, उसी को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, 5 का संकलन धन किया हमने। 5 का संकलन धन का अर्थ होता है 1 से लेकर 5 तक की टोटल करना है, एडिशन करना है, तो वो कितनी आएगी, हमने देखे ना 15 आते हैं। यहाँ तक समझ में आई, ये हमने उत्तर डायरेक्ट निकाला कि 6 में से 1 कम कर दो, 5 आए, 5 का संकलन धन निकालना 1 बार वाला, तो 5 के आगे की 1 संख्या लिखो, 6 यानी ऊपर अंश में 5 गुना 6 करना, और नीचे 6 में हमने कितने फिगर लिए, ऊपर 5 और 6, 1 5 और 1 6, ये 2 फिगर लिए, तो नीचे 1 गुना 2 करना। अब उसको सॉल्व करो, ऊपर कितना है, 5 7 30, और नीचे 1 2 2 15 है ना उसका उत्तर, तो द्विसंयोगी सभी भंगों की टोटल कितनी आई, 15। यहाँ तक समझ में आई बात। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, त्रिसंयोगी भंग को लेना है। त्रिसंयोगी भंग में क्या करना, अभी 6 में से 2 माइनस करना है, 6 में से 2 माइनस किया तो आ गए 4, अभी 4 का 1 बार संकलन नहीं करना, 2 बार करना, तो 2 बार का अर्थ होता है, अभी उसका डिटेल है, अगर आपको कैसे करना अगर मालूम करना हो, अभी इसको तो मिटाना पड़ेगा मेरे को, आप 1 2 3 4 5 एक के एक नीचे रखो और उसकी टोटल करो, कितनी आई, 15 आई ना। अब हमको 4 का 2 बार संकलन करना है, 2 बार संकलन का अर्थ क्या है, अब 1 बार संकलन 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 1 बार संकलन कितना आएगा, यानी 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 कितने आए, 10। अब 2 बार संकलन करना है तो क्या करना, कैसे करेंगे, ये सूत्र से नहीं डायरेक्ट, दूसरी बार संकलन करना है तो 1 के आगे तो 1 लिखो, उसके नीचे क्या लिखना, देखो
चार का एक दो तीन चार, इसकी टोटल करना तो एक बार संकलन होगा, दूसरी बार संकलन करना होगा उसका। एक का एक लिखो, दो और एक तीन लिखो, तीन और तीन छः लिखो, और छः और चार दस लिखो, इसकी टोटल कितनी हुई? तो यह है चार का दो बार संकलन धन। वो डायरेक्ट कैसे निकालना है? तो चार के आगे वाले दो फिगर लिखो, चार गुना पाँच गुना छः, ऊपर तीन फिगर्स है, नीचे एक गुना दो गुना तीन, बराबर कितने आए? चार को दो से भाग दो। देखो गच्छ माइनस दो यानी चार, चार का दो बार संकलन धन। दो बार संकलन धन मैंने अलग से करके दिखाया, एक बार किया तो उसकी वैल्यू आई थी दस, और दो बार किया तो ये कैसे निकालना? वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री छः, छः प्लस चार दस, और इसकी टोटल एक और तीन और छः और दस, ये सब मिलकर ये बीस होती है। ये इसको हमने डायरेक्ट निकाला, कैसे? चार के आगे के दो फिगर लेना है, चार गुना पाँच गुना छः डिवाइडेड बाय एक गुना दो गुना तीन, इसकी टोटल कितनी आती है? बीस। तो हमने जो तीन संयोगी लिए, तीन संयोगी कैसे? पृथ्वी के हमने देखे थे, पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल वायु वगैरह करके दिखाए थे ना हमने सुबह, ये सबके टोटल भी हमने पृथ्वी के इतने, जल के इतने, वायु के इतने, इस तरह से हमने निकाले थे। इस सबकी टोटल कितनी हुई थी? 20 निकाली थी ना, वही यहाँ पर आ गई, हमें डायरेक्ट मिल गई। किसके कितने हैं वो हमने नहीं बताया, हमको डायरेक्ट चाहिए, आसान तरीका है ना ये। ये फॉर्मूले मालूम हो तो आसान हो जाता है, पर इस दो बार संकलन का अर्थ ही मालूम नहीं, तीन बार संकलन का अर्थ ही मालूम नहीं है, उसके लिए हमने ये बातें बताई आपके। यहाँ त्रिसंयोगी तक समझ में आई बात? अभी चतुस्संयोगी भी सब लोग अटके हैं। सुबह की भी बात हुई थी ना चतुस्संयोगी भंग में, बहुत सारे घोटाले हो रहे थे, अब उसकी बात हम देखते जरा चतुस्संयोगी के। चतुस्संयोगी में हमने देखे थे पृथ्वी के अलग अलग देखे थे, पृथ्वी के ही कितने हुए थे? 10 हुए थे। तो पृथ्वी का पहला कैसा होगा था? पृथ्वी जल अग्नि और वायु, पृथ्वी जल अग्नि और वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि और त्रस, ये तीन हुए, यानी पृथ्वी जल और अग्नि के साथ तीन हुए। अब पृथ्वी जल वायु को लेना, तो पृथ्वी जल वायु और वनस्पति, पृथ्वी जल वायु और त्रस, ये दो हो गए। फिर पृथ्वी जल वनस्पति और त्रस का एक हुआ, तो ये हो गए छः, यानी पृथ्वी और जल के साथ चलते हुए। पृथ्वी अग्नि वायु और पृथ्वी जल वायु और वनस्पति, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति, बरोबर, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति और पृथ्वी अग्नि वायु और त्रस, ये दो हो गए ना। फिर पृथ्वी अग्नि वनस्पति और त्रस, पृथ्वी अग्नि वनस्पति और त्रस, अग्नि के साथ ये दो और एक तीन हुए। फिर लास्ट वाला पृथ्वी वायु वनस्पति और त्रस, वो एक हुआ, ये पृथ्वी के टोटल हुए 10। फिर जल अग्नि वायु वनस्पति, जल अग्नि वायु और त्रस, ये दो हो गए, जल अग्नि वनस्पति और त्रस, ये एक हुआ, ये तीन हो गए। और फिर जल वायु वनस्पति और त्रस, ये एक हुआ, इस तरह से उसके टोटल जल के चार हुए। और फिर अग्नि का एक ही होगा, अग्नि के आगे सारे ले लेना, अग्नि वायु वनस्पति और त्रस, ये सब मिलकर पृथ्वी के 10 हुए, जल के चार हुए और उसका एक हुआ, टोटल कितने हुए? 15। कितनी संयोगी की बात चल रही थी? चतुस्संयोगी। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, अब यहाँ देखना, चतुस्संयोगी भंग निकालने तो क्या करना, हमारा गच्छ है 6, तो चतुस्संयोगी है तो गच्छ में से 3 कम कर दो, तो गच्छ माइनस 3 यानी कितने आए? 3। अब 3 का 3 बार संकलन करो, 3 का 3 बार संकलन कैसे होगा? हाँ, 3 बार संकलन का अर्थ क्या है अभी? 3 का एक बार संकलन कितना आता है? 3, 1, 2, 3, 6 आया। 3 का दो बार संकलन कैसा है? 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, ये दो बार संकलन हुआ।
तीन का तीन बार संकलन करना है, एक का एक लिखना, तीन और चार लिखना, और चार और छः दस लिखना, तो तीन का तीन बार संकलन हो जाएगा 15। अभी उसको अपने फॉर्मूला से निकालना है, तीन का तीन बार संकलन निकालना है, तो तीन के आगे तीन फिगर्स लिखना, चार पाँच और छः, यानी अंश में क्या हुआ, तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः, और कितने फिगर, एक दो तीन चार, नीचे एक गुना दो गुना तीन गुना चार। अब इसको सॉल्व करो सबको, अभी सबको करने की जरूरत नहीं है ना, बेहतरीक सा छः निकालो, चार को चार निकालो, पाँच त्रिक 15 निकालो, जो है उसको एक साथ कैंसिल कर दो ना, ऊपर नीचे 15 हो गए ना, तो डायरेक्ट हमने उनकी टोटल संख्या निकाली। कितने भी जो जितने हमारे पास गच्छ है, जितने टोटल फिगर्स है, उसके संयोगी भंग इसी तरह से निकालते हैं। अब उसके आगे पंच संयोगी भंग हमको देख रहे, तो पंच संयोगी भंग हमने पृथ्वी के कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 6 है, अब एक एक बार एक एक को माइनस करो ना, जैसे पहले को, पहले हमने त्रस को छोड़ा, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हो गया, अब वनस्पति को छोड़ो ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और त्रस, वनस्पति को छोड़ो, वायु को छोड़ो, पृथ्वी अग्नि नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति त्रस, अब किसको छोड़ना है, अग्नि को छोड़ना है, पृथ्वी जल वायु वनस्पति त्रस, अब जल को छोड़ो, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति त्रस, ये कितने हुए पृथ्वी के, 5 हो गए, एक एक को छोड़ा, जल के आगे तो चार ही है विकल्प, तो जल का एक ही भंग होगा, 5 और 6, 5 और 1, 6 हो गए पंच संयोगी भंग। ये तो हमें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु पंच संयोगी भंग के लिए क्या करना है, पंच करना है तो गच्छ में से 4 माइनस करो, यानी 6 में से 4 गए तो 2 रहे, 2 का 4 बार संकलन धन डायरेक्ट निकालते, अभी 2 का 4 बार करना है, 2 का एक बार किया तो 2 और 1 3, 2 बार किया तो 3 और 1 4, 3 बार किया तो 1 और 4 5 हुआ, और 4 बार किया तो 1 और 4 एक 5, 5 एक 6, 6 हुए, उसी को डायरेक्ट निकालना है, दो संख्या का 4 बार संकलन करना है, तो दो के आगे 4 फिगर लिखो, 2 के आगे 4 फिगर यानी 3 4 5 और 6, यानी ऊपर के अंश में क्या कहेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और नीचे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, क्या आएगी संख्या, 6 आएगी ना, क्योंकि ये तो 2 3 4 5 या 2 3 4 5 चले गए, तो 6 रहेंगे, तो चतुष पंच संयोगी भंग कितने आए थे, 15, और 6 संयोगी 1, हाँ, तो यहाँ पंच संयोगी हमारे 6 आ गए थे, ये ऊपर का है, पंच संयोगी का 6 आया था, और 6 का संयोग कितने हो गए, एक ही होगा ना, इसके ये अलग अलग संयोगी भंग निकालने के तरीके, और भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं डायरेक्ट भी निकालने के तरीके, तो डायरेक्ट तरीका भी एक बार जरा देख लेते पुस्तक के आधार से, पेज नंबर 704 निकालना और 799 नंबर की गाथा लेना, पेज नंबर 704 देखो, नीचे नीचे 799 जो गाथा है ना उसका हेडिंग 704 पृष्ठ, पहले काय हिंसा में प्रत्येक यानी प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी भंग इत्यादि भंग कहकर अक्ष संचार कहा, अक्ष संचार समझते हैं, बाकी तो पहले सब एक फिक्स रखे और एक एक को आगे लेके गया, इसको कहेंगे अक्ष संचार, यानी उसके सारे काय हिंसा के सभी भंगों को एक के बाद हम रखे पलटते जाएंगे और बाकी सारे जो अक्षों को फिक्स रखेंगे, मिथ्यात्व वाला जो है, अविरति के वाला, वो जो ऊपर के कषाय वाला, वो सबको फिक्स रखा, और चेंज कहाँ किया, 1 2 3 4 इस तरह से प्रत्येक भंग 6 लिए, फिर द्विसंयोगी लिए, फिर त्रिसंयोगी लिए, तो उसको कहेंगे वो अक्ष संचार किया। तो उसके लिए भंगों का प्रमाण जो लाना था, कैसे,
प्रत्येक वाले भंग कितने हो गए, द्विसंयोगी कितने हो गए, त्रिसंयोगी कितने हो गए, हमारे पास टोटल कितने हैं, छः। तो उसका एक फॉर्मूला और एक जुदा फॉर्मूला, इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं आपको, वो यहाँ बताएंगे। देखो पहले हम गाथा पढ़ते हैं, हमारे आचार्यों के पास बहुत तरीके हैं। गाथा 799, चप्पन चादे अंतम रुवुत्तर भाजिदे कमेण हदे लद्धम इच्छचौके देशे संजोग गुणगारा। अभी इसकी टीका पढ़ते हैं 705 नंबर पर, जहाँ प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी इत्यादि भेद करने हो, वहाँ विवक्षित का जो प्रमाण हो, विवक्षित को हम यहाँ गच्छ कहा था, हमारा प्रमाण कितना है तो छः है, अभी तो छः की बात है, अभी हमारे मिथ्यात्व में सासाधन में और उसमें जब तक अविरति सभी है तब तक वो तो यानी त्रस की भी हिंसा को लिए है, तब तक हमारा छः है उसका विवक्षित यानी गच्छ, उस प्रमाण से लेकर यानी छः से लेकर एक एक हीन अंक एक तक अनुक्रम से लिखना, यानी क्या लिखना, पहले छः लिखो फिर पाँच फिर चार तीन दो और एक अनुक्रम से लिखना। ये तो भाज्य हुए, भाज्य ने अंश ऊपर और उनके नीचे वो भाज्य है और उसके भाजक यानी उसको भाग देने वाले, यानी ऊपर का अंश और नीचे का छेद कहते, तो उसके नीचे यानी उसके नीचे ने छः के नीचे एक लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, उनके नीचे एक आदि एक एक बढ़ता हुआ उस प्रमाण के अंक तक क्रम से अंक लिखना, ये भागार हुए। ऊपर क्या लिखा हमने, छः पाँच चार तीन दो एक, अभी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक से लेकर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छः के नीचे एक, पाँच के नीचे दो, वहाँ पुस्तक में है फिगर, चार के नीचे तीन, तीन के नीचे चार, दो के नीचे पाँच और एक के नीचे छः, यहाँ तक समझ में आई बात, आसान है ना। हाँ 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 सेम है, हाँ यहाँ नीचे लिखा है, देखो ये चार पर लिखा है, वहाँ उन्होंने कॉलम्स कर दिए, हमने डायरेक्ट लिख दिए, ये दूसरा एक तरीका है। हमारे पास गच्छ ने विवक्षित का प्रमाण छः है, क्योंकि षटकाय संबंधी जो हमको अलग अलग एक या दो या तीन इस विकल्प है, तो यह हमने पहले में पहले छः लिखा, ये हमारा टोटल जो हमने गच्छ कहा था, और वहाँ से एक तक यानी उल्टे क्रम से लिखना, छः पाँच चार तीन दो और एक, ये हुआ अंश ऊपर, नीचे छेद में क्या कहेंगे, यहाँ एक लिखना और बढ़ते क्रम से लिख देना हर एक के नीचे के, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसके आगे क्या करना, पहले पढ़ते फिर चार पढ़ जाएंगे। हाँ, ये भागहार हुए, भागहार यानी भाजक, भागाकार जिसको कहेंगे वो पूरे प्रोसेस को भागाकार कहते हैं, और यहाँ भागहार कहा, हार नहीं समझे, जानन हार क्या होता है, जानने वाला, तो भागहार यानी भाग देने वाला, जिसको हम भाजक कहते हैं मराठी में, आप क्या कहते हैं, जिससे डिवाइड करना है वो संख्या, भागाकार नहीं, भागहार, भाजक, भाजक, तो कहते हैं उसको ये भागहार हुए, यानी इनसे भाग देना है, भाज्य को अंश और भागहार को हार कहते हैं, यानी छेद जिसको हम कहेंगे उसको हार भी कहते हैं, ऊपर का है वो अंश और नीचे का है वो हार, और दूसरी भाषा में अंश और छेद। भिन्न गणित में भाग प्रभाग विधान है, उससे क्रम से ये भिन्न गणित यानी जहाँ अपूर्णांक है पूर्णांक से ऊपर नीचे के होते उसको भिन्न गणित कहते हैं, तो भाग प्रभाग विधान है उससे क्रम से पूर्व अंश से अगले अंश को और पूर्व हार से अगले हार को गुणा करके जो जो अंशों का प्रमाण हो उसको हार के प्रमाण का भाग देने पर जो जो प्रमाण आएगा उतने उतने वहाँ भंग जानना। अभी यहाँ इसकी बात करते क्योंकि वाक्य का हर तक कुछ नहीं समझे हम। अभी नीचे जो है ना कितने संयोगी भंग है वो हम नीचे हार में देखेंगे यानी अंश में देखेंगे, हमें प्रत्येक भंग निकालना है,
तो प्रत्येक भंग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब हमको द्विसंयोगी भंग निकालना है, तो नीचे इन दोनों का गुणाकार करना और ऊपर इन दोनों का गुणाकार करना, ये इसको अभी भूल जाओ। अभी द्विसंयोगी निकालना है तो 2 तक ले लो, तो नीचे 1 × 2 और ऊपर 6 × 5 कितने हुए? 15। कितना आसान है ना? तो आप कहेंगे इतना पहले बताना था, नहीं समझ। अभी त्रिसंयोगी भंग, हमने त्रिसंयोगी भंग यहाँ निकाले थे, देखो वो गच्छ को फिर माइनस किया, फिर 2 बार संकलन किया, वो क्या क्या भंग किया है, तो क्या है? तो यहाँ तो त्रिसंयोगी है, तो 3 तक के नीचे हार लेना, 1 × 2 × 3 नीचे 3 × 6 आ गए, और ऊपर 6 × 5 × 4 कितने हुए? 25। और सर ये सब करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 × 2 इसको 6 4 आ गया, और 5 × 4 20 आएगा डायरेक्ट, तो 20 आए कि नहीं? अभी चतुस्संयोगी भंग चाहिए, तो 1 2 3 4 तक का गुणाकार करना, 1 × 2 × 3 × 4 ऊपर 6 × 5 × 4 × 3 तो ये 4 3 ये 4 3 चले गए, और 2 × 3 7 5 × 3 15 तो कितने आए? चतुस्संयोगी भंग हमारे 15 आ गए। अभी पंचसंयोगी भंग, तो नीचे के 5 तक के गुणाकार करना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और नीचे इसके ऊपर तक आना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अब ये 2 3 4 5 यहाँ पे 2 3 4 5 चले गए, 6 रह गए ना। तो क्या हुआ हमारा? ये 6 आया ना, पंचसंयोगी भंग 6 आ गए। अब 6 संयोगी भंग, तो 6 संयोगी ने यहाँ तक लेना है और ऊपर भी है सर, तो सबके साथ सब कैंसिल हो गए, तो 1 आया ना, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बताएगा। अब जहाँ त्रस हिंसा नहीं है, ऐसा कौन सा जीव है? देश संयत। तो देश संयत में हमको तो काय हिंसा में तो 1 से 5 तक ही लिखना पड़ेगा, तो अभी इसको भूल जाओ यहाँ से, और यहाँ 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। वो जब उसकी बात आएगी तब हम फिर आपको उसकी याद दिलाएंगे। अब पहले यहाँ से पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम रिटन मैटर है उसको पढ़ेंगे। देखो अभी फिर हम पढ़ते हैं 5वीं लाइन, 705 नंबर पेज पर ऊपर से 5वीं लाइन। भिन्न गणित में भाग प्रभाग विधान है, यानी कैसे वो भागाकार करना वगैरह वो सब विधान है, उससे मिला क्या? ऊपर ऊपर के पैराग्राफ में 5वीं लाइन, उससे क्रम से पूर्व अंश से अगले अंश को, यानी अगर द्विसंयोगी निकालना है तो नीचे के 2 तक चले जाना, और ऊपर क्या लिखा है? पूर्व अंश से अगला अंश, यानी 6 अंश है और 5 भी अंश है, तो 6 से 5 को गुणा करना, यानी पूर्व अंश से अगले अंश को, यानी 6 से 5 को गुणा किया, और पूर्व हार से अगले हार को गुणा करके, हार यानी छेद, पहला है तो 1 और दूसरा है वो 2, नीचे 1 × 2 करना और ऊपर 6 × 5 करना, करके जो जो अंशों का प्रमाण हुआ, 6 × 5 करेंगे तो 30 आएंगे, 1 × 2 करेंगे तो 2 आएंगे, तो अंश को, अंश का कितना प्रमाण आया? 15। 6 × 5 आया था 30, उसको 1 × 2 2 से भाग देना, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आए, इसलिए क्या कहते, पूर्व अंश से अगले अंश को, पूर्व हार से अगले हार को गुणा करके जो जो अंशों का प्रमाण हो उसको हार के प्रमाण का भाग देने पर, यानी ऊपर के गुणकार कर लेना फिर नीचे के गुणकार कर लेना, फिर टोटल को उस टोटल से भाग देना, जो जो प्रमाण आएगा उतने उतने वहाँ भंग जानना। यहाँ मिथ्यात्वादी 4 गुणस्थानों में काय हिंसा का प्रमाण 6 है, क्यों? तब तक त्रस हिंसा है, चौथे गुणस्थान तक सभी है ना अविरति, तो त्रस हिंसा के भी 1 2 3 4 5 6 सभी विकल्प है वहाँ पर, वहाँ 6 5 4 3 2 1 ये तो अंश क्रम से लिखना ऊपर की लाइन में, और उसके नीचे छेद में क्या लिखना? 1 2 3 4 5 6 ये हार क्रम से लिखना। यहाँ तक समझ में आई बात? वहाँ प्रथम अंश 6,
उसके हार एक का भाग देने पर, उसको हार एक का भाग देने पर छह है, इसलिए प्रत्येक भंग तो छह है। जो हार का प्रमाण है उतने वहाँ तो प्रत्येक भंग एक है, तो वहाँ हम एक तक ही रुके। पूर्व छह से अगले पाँच को गुणा करने पर, यानी ऊपर की लाइन में पहला नंबर है छह, दूसरा पाँच, गुणा करने पर 30 अंश हुए। उसको पूर्व एक से, यानी अभी छेद में चलना, पूर्व एक से अगले दो को गुणा करने पर, यानी एक को दो से गुणा करने पर 2 हार हुए, यानी छेद का प्रमाण 2 हुआ। अंश का प्रमाण 6 गुणा 5 30 था और नीचे 2 हुआ। उसका भाग देने पर, ये 30 को 2 का भाग देने पर 15 आए। इतने द्विसंयोगी भंग है। अभी इसका अर्थ समझ में, जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझना चाहिए। पूर्व 30 से, अभी 6 गुणा 5 हमारे पास रेडीमेड है हर बार आगे को गुणा करने के लिए, उसको और 4 से गुणा करेंगे। पूर्व 30 से अगले 4 को गुणा करने पर 120 अंश हुए। उसको पूर्व 2 से अगले 3 को गुणा करने पर 6 हार हुए। तो 120 को 6 से भाग दिया, उसका भाग देने पर 20 आए। इतने त्रिसंयोगी भंग है। हमने डायरेक्ट उसको कैंसिल करवाया, यहाँ तो पूरे टोटल करके उसको भाग दिया। पूर्व 120 से, अभी 6 गुणा 5 और गुणा 4 तक आए थे, अभी 3 को भी ले लेना। अगले 3 को गुणा करने पर 360 अंश हुए। अंश का प्रमाण कितना हुआ? 360। उसको पूर्व 6 से अगले 4 को गुणा करके, पहले हमने 1, 2, 3 का गुणाकार किया था, वो 6 आया था, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 24 हार हुए। हार यानी छेद 24 आया। उसका भाग देने पर 15 आए। इतने चतुस्संयोगी भंग है। यहाँ तक समझ में आई बात? अभी पंचसंयोगी। पूर्व 360 से आगे के 2 को गुणा करने पर 720 अंश हुए। उनको पूर्व 24 से आगे 5 को गुणा करने पर 120 हार हुए। ये छेद का प्रमाण टोटल निकाला हूँ। हमने क्या किया था शॉर्टकट में, ये कट कट कर दे दो तो आसान हो जाता है। उसका भाग देने पर 6 आए। इतने पंचसंयोगी भंग है। अब टोटल, पूर्व 720 से आगे के 1 को गुणा करने पर 720 अंश हुए। उनको पूर्व 120 से आगे के 6 को गुणा करने पर 720 हार हुए। क्योंकि ऊपर भी 6 से 1 तक है, नीचे भी 1 से 6 तक है, सब कैंसिल हुए तो एक एक रह गया। तो 6 संयोगी भंग 1 है। ऐसे सर्व मिलाकर 63 भंग है, यानी 63 भंग है। यानी प्रत्येक भंग इतने, फिर द्विसंयोगी इतने, त्रिसंयोगी इतने, इतने सब हमने सबकी टोटल मिलाकर जो भंग निकाले, अब उनकी भी टोटल करनी है कि नहीं करनी? नहीं समझे? प्रत्येक भंग कितने निकले थे देखो, अभी यहाँ देखो, यहाँ ऊपर लिखे ना, प्रत्येक भंग 6 है, कुल लिखा है ना 6। द्विसंयोगी भंग कुल 15। देखो ये कुल भंग 6, ये कुल भंग 15, कौन से है वो हमने निकाले हैं। त्रिसंयोगी भंग कुल 20 है, हाँ ये इसकी टोटल है ना, 6 और 15 21 और 20 41। चतुस्संयोगी भंग 15 हुए, हाँ 56। पंचसंयोगी भंग यहाँ है 62 और 6 संयोगी भंग 1 है 63। तो हमारे पास टोटल कितने थे? 6 अलग अलग थे। तो 6 को टोटल, प्रत्येक भंग कितने, द्विसंयोगी कितने, त्रिसंयोगी कितने, सबके हमको टोटल निकालने। तो सबकी टोटल कितनी निकली हमें? 63। और एक तरीका बताओ, हमारे पास 6 थे ना फिगर्स, तो 6 बार 2-2 लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 -1, तो कितने हो जाएगा? देखो 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 2 64 -1 63। तो सभी भंगों की टोटल होती है 63। हाँ कौन से नीचे का, ये तो फिगर है। नहीं 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 समझे, देखो हमारे पास 3 संख्या ए बी और सी, अब उसके प्रत्येक भंग कितने हो गए? प्रत्येक भंग 3 के 3 होगी ना, ए अकेला लिखना, बी अकेला लिखना, सी अकेला लिखना।
अब द्विसंयोगी ए बी ए सी बी सी, तीन की छः और ए बी सी का मिलकर एक, कितने हुए सात, जिसको हम सप्तभंगी कहते हैं। सप्तभंगी में क्या है, एक है अस्थि, एक है नस्थि, तीसरा क्या है, अस्थि नस्थि तो द्विसंयोगी हुआ, अवक्तव्य। अभी बोलो, अस्थि है नास्ति है अवक्तव्य, अस्थि नास्ति, अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य, कितने हुए, क्यों सात आए, तीन है, दो गुना दो गुना दो माइनस वन, हाँ माइनस एक, दो गुना दो गुना दो आठ हुए माइनस एक, तो तीन चीजें जहां जहां है वहां पर वो तो सप्तभंगी ही आने वाली है। तो सप्तभंगी अनेक जगह निकालते ना, अस्थि नास्ति या अन्य जो विकल्प लेकर, तो ये उसका अर्थ है। हमारे पास जिनवाणी में अक्षर कितने हैं, अब जैसे अंग्रेजी में लेटर्स कितने हैं, छब्बीस, तो जिनवाणी के हमारे जो है उसके अक्षर कितने होते हैं, अब पुनरुक्त ही कहेंगे अक्षर टोटल, उसके भंगों हम बाद में निकालेंगे। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने, नहीं समझ रहे, स्वर व्यंजन अ आ आ ई ई ई उ, ये सारे क्या है, स्वर है, हाँ। और ये व्यंजन ने क ख ग ग य च छ ज ज ट ट ड ड, अरे पहले तो 33 होते हैं, फिर 27 होते हैं, और फिर चार योग वाह होते हैं, अम आहा कह पह वगैरह वगैरह, अभी उसकी बात छोड़ो। टोटल 64 होते हैं, जिनवाणी के टोटल अक्षर कितने हैं, 64, उसके भंग कितने हो गए, 2 को 64 बार लिखो, आपस में गुणा करो, माइनस वन करो, तो कितने आएगा, आसान है। देखो देखो, हमने आपको एक द्विरूप वर्ग धारा बताई थी, द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान था चार का, चार में दो संख्या कितनी बार गुणा करते हैं, दो गुना दो चार आता है ना, तो दो बार दो आता है, चार का वर्ग 16 है, 16 में दो कितने बार लिखना पड़ेगा, चार बार, चार का वर्ग किया तो ये जो नीचे दो लिखा था उसको कहेंगे अर्धच्छेद। अभी कुछ नया सीखो ना, हाँ, जितने बार दो लिखकर वो संख्या आती है उसको कहेंगे उसका अर्धच्छेद। चार का अर्धच्छेद है दो, चार का वर्ग करेंगे तो अर्धच्छेद दुगुना होगा, तो चार का अर्धच्छेद है दो, यानी दो बार दो लिखते हैं, तो 16 का अर्धच्छेद होगा चार, चार बार दो लिखेंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्ग 256, तो 256 का अर्धच्छेद 8, चार दुनिया 8, नीचे की संख्या दुगुना दुगुना होती है, दो का चार हुआ, चार का 8 हुआ, 256 का वर्ग 65536, वहाँ कितने बार लिखना पड़ेगा, दो, 16 बार, 65 का वर्ग होता है बादाल, बादाल में वो 32 बार लिखेंगे, और बादाल का वर्ग होता है इकट्ठी, इकट्ठी में 64 बार होगा। तो जब हम 64 बार दो लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो उसका प्रमाण आएगा इकट्ठी, जो 20 डिजिट प्रमाण संख्या है, माइनस वन करो, इतने वो सारे भंग हो गए जिनवाणी के शब्दों के, ये अपुनरुक्त अक्षर कहते हैं, इनसे जिनवाणी की रचना हुई है। क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म कर दें शुरुआत की ना, अभी हमारा शुद्ध लेखन भी कितना बदल गया, वो तो और दीर्घ इकार अंतर होता है, ई ई ई ऐसा होता है, जीव कांड में पढ़ा, बोलने में नहीं आ रहा ना, आजकल हमने सबको शॉर्ट फॉर्म कर दिया, हमने बोला ना आपको, बहुत सारे तो कैंसिल हो गए, कितनी ही जो विभक्तियाँ वगैरह निकल दी है, ये हमने तरक्की कर दी ना, तो पुराने सब कहाँ रहे हैं सब, आपने जीव कांड तो पढ़ा है तो उसमें ये बातें देखी होगी कि नहीं होती, उसमें स्वर व्यंजन वो सब बताए कितने क्या होते हैं, तो ये तरीका क्या है, उसमें भी कितने भंग निकालने पड़ेंगे, प्रत्येक भंग द्वि त्रि चतुर अभी 63 और 64 का भी भंग करना पड़ेगा,
वो एक हो जाएगा, इनकी सबकी टोटल भी निकालनी पड़ेगी, वो कितने भंग हो गए टोटल सभी, इसको कहेंगे अपुनरुक्त अक्षर, कितने हुए इकट्ठी माइनस एक। अपुनरुक्त ने जैसे हमारे पास अंग्रेजी के कितने लेटर्स हैं, 26, कितनी बार आए तो भी उसको 26 की संख्या 27 हो जाएगी क्या? हाँ, परंतु वहाँ तो जोड़ाक्षर नहीं होते, परंतु हमारे यहाँ मराठी संस्कृत जो अंग्रेजी हिंदी वगैरह उसमें जोड़ाक्षर भी होते हैं, जैसे विद्यार्थी द प्लस य प्लस आ दिया हुआ ना, इस तरह से ये सब है, ऐसे पाँच पाँच के संयोग, छः छः के संयोग ऐसे होते थे सारे, 64 का भी संयोग हो जाएगा कोई, तो इस तरह से ये जिनवानी के अक्षर हैं। और ये जिनवानी के इतने अक्षर हो, कितने इकट्ठी माइनस से कितने अक्षर हैं, इन अक्षरों में से हमारे द्वादशांक की रचना हुई है। अभी है ना 16 समय, दो तीन मिनट है, देख लेते थोड़ा, तो इसमें से हमारी सारी जिनवानी बनी है, तो उसमें वो पदों की संख्या आती है कितनी है और क्या है, हाँ 112 करोड़ वगैरह आती है ना, वो सबकी मिलकर 12 के 12 अंगों की। पहला एक आचार अंग पता सुबह के स्वामी जी के प्रवचन में आएगी, उसमें 18,000 पद है और एक पद में 51 करोड़ झाझेरा श्लोक छे। ये झाझेरा क्या होता है, अभी समय कम है मैं बताऊंगी, सरस्वती पूजन में पढ़ेंगे हम, उसकी बात करेंगे। यानी यहाँ हम इतने अक्षरों का एक पद और इतने पदों का एक एक हमारा अंग, इस तरह से ये सारे द्वादशांक की रचना हुई है। तो ये सारे द्वादशांक की रचना कितने अक्षरों में से हुई है, तो ये इकट्ठी माइनस एक कितने टोटल अक्षर है, उसमें से हमारी सारी द्वादशांक की रचना हुई है। तो उसमें कितने अक्षरों का एक पद वगैरह थोड़ा देख के फिर हमारा विषय चलेगा आगे, क्योंकि हम जिनवानी को तो सरस्वती की पूजन करते क्या बोलते किसको पता है, वो पता करेंगे थोड़ी देर में, अभी तो एक मिनट बाकी है। अभी जो हमने बंग देखे ना, कैसे निकालना, प्रत्येक बंग कैसे, द्विसंयोगी कैसे, त्रिसंयोगी कैसे, चतुस्संयोगी, फिर इनकी टोटल भी करना, तो इतने सारे टोटल हो जाएंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर देना है, तो प्रत्येक बंग के लिए हमने 6 नंबर दिए थे, तो 7 से आगे द्विसंयोगी के हम वो 15 गिनाएंगे, फिर उसके आगे त्रिसंयोगी के 20 गिनाएंगे, फिर उसके आगे चतुस्संयोगी के सारे, हमारे बाकी सभी पंक्तियों पर लाइन वहीं पर खड़ी थी पहले नंबर पर, और इनको हम चेंज कर रहे थे। इनके सारे बंगों की जब टोटल खलास हो जाएगी, तब जाके वो नपुसक वेद के बदले हम और कहीं चली जाएगी दूसरे वेद पर। हाँ, इस तरह से ये लगाना है, वो तो पढ़ना है हमको बाकी, अभी तो हम थोड़ी देर के लिए यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।